हमसे कुछ, मैं रोहित के खत को कई बार पढ़ चुका हूं, मैंने इसका तर्जुमा भी किया है, इसको अपनी वॉइस में मेरे, हमने एक नाटक किया था अपने डिपार्टमेंट में, मेरा रोहित बिमुला यही कहीं दिख भी रहा था अभी, मैंने वॉइस ओवर दिया था। उस चिट्ठी में ऐसी क्या चीज, वो चिट्ठी जिंदा दस्तावेज, हम सबको पढ़ना चाहिए और फ्रेम करा के रखना चाहिए। मैं चंद लाइनें, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आई हैव नो कंप्लेंट्स ऑन एनीवन, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। इट वॉज ऑलवेज विथ माई सेल्फ आई हैड प्रॉब्लम्स, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, दिक्कत परेशानियां सब कुछ में। जब इंसान की शिकायतों का बोझ इतना बड़ा हो जाता है ना, तो ये नहीं कहता है किससे शिकायत है, उसे हर किसी से शिकायत थी, उसे संस्थाओं से शिकायत थी, उसे सत्ता से शिकायत थी, उसे उस ब्राह्मणिक पैराडाइज से शिकायत थी जो रघु में धमनियों में घूमता रहता, वो दिखता नहीं लेकिन आपको एक अलग सपना दिखाता। रोहित वॉज द विक्टिम ऑफ दैट काइंड ऑफ ब्राह्मणिज्म विच हैज परवेडेड ऑल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम, इन द एजुकेशन सिस्टम, और इवन ब्राह्मण भी मुगलते में ना रहे कि वो इसके विक्टिम नहीं है, वो भी उसमें से जो प्रगतिशील सोच के हैं वो विक्टिम है, वो ये समझने की हमारी कोशिश करनी चाहिए। आई एम राइटिंग दिस काइंड ऑफ लेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, माई फर्स्ट टाइम ऑफ द फाइनल लेटर। मैं खुद खत बहुत लिखता हूं, इमेजिनरी लोगों के नाम लिखता हूं, उसके खत की ये जो चीज है आपको सोने नहीं देती है, परेशान करती है। पहला खत जो आखिरी खत में तब्दील हो गया, लेकिन उस आखिरी खत में शशि कह गई, आई एम नॉट हर्ट एट दिस मोमेंट, मेरे अंदर चुभन नहीं है, चोट नहीं है, मैं चोटिल नहीं हूं, आई एम नॉट सैड, मैं उदास नहीं हूं, आई एम जस्ट एम्प्टी, मैं खाली हो गया हूं, मैं खाली हो गया हूं। ये जो खाली हो जाना होता, ये बता रहा है कि रोहित बेमुला, रतन से बहुत एनर्जी मिलती है, लेकिन रतन रोहित की आत्महत्या ऑर्डिनरी आत्महत्या नहीं थी, इट वॉज नॉट ए सुसाइड, हिज सुसाइड शुड बी ट्रीटेड एज ऑर्गेनाइज्ड किलिंग, इट वॉज नॉट ए सुसाइड इन द नॉर्मल सेंस ऑफ द टर्म, इट वॉज नॉट ए सुसाइड विद समबडी कमिट्स फेलिंग इन लव, इट वॉज ए सुसाइड, इट वॉज डिक्टेटेड बाय अ फेलिंग सिस्टम, अ सिस्टम व्हिच फेल्ड रोहित बेमुला। ये चीज हमें आपको मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कल मैं पॉलिटिकल साइंस में सुकुमार भाई के डिपार्टमेंट में था, अपूर्वानंद जी भी थे, मैंने वहां एक बात कही। अभी कई तरह के लोग मुझे हेट मेल्स भेज रहे हैं, गाली दे रहे हैं फोन पर, मेरी जिस मां का कोई ताल्लुक नहीं मेरी राजनीति से, वो भी इस अफसाने में लाई जा रही। मुझे किसी ने पूछा, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा कि मैं बाबा साहब के संविधान के एक एक हरफ एक एक पन्ने के पक्ष में खड़ा हूं। हमें किसी से विरोध नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है। संविधान मेरी एकमात्र किताब है जिसको मैं गले से दिल से लगा के रखूंगा, और जो आपने की है, जो मैंने सदन में कहा, इट वॉज ए मिडनाइट रॉबरी, ये मध्यरात्रि की जगह की थी, मुझे भाजपा से उतना दुख नहीं हुआ, मैंने सदन के अंदर कोट किया, मैं दोहराना चाहता हूं। उनके बीच के लोग मुझसे सेंट्रल हॉल में आकर के बोले कि आपने ठीक बोला, ये डर हमें भी है। ये एक इन्होंने एक मैंने हिंदी फिल्म के गाने का उदाहरण दिया, हमने बचपन में वो गाना बहुत सुना था, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, इन्होंने ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारा, और इनका कई चीजों में आप ये तरीका देखते हैं, कंकड़ मार करके ये तरंग देखते हैं, कैसी है इसकी एक्सेप्टेंस, क्या चर्चा हो रही है, मीडिया में कैसे लिया जा रहा है, लोग कैसे बात कर रहे हैं। मुझे दुख है कि उस तरंग के चक्कर में हमारे कई बहुजन पॉलिटिकल बाकी साथ, किंतु परंतु हाउएवर बिसाइड्स एटॉल, सब कहने के बाद आपने वोटिंग बटन दबा दिया, आपने वोटिंग बटन नहीं दबाया, आपने संविधान का गला घोट दिया उस दिन। हम जानते थे कि हमारे ऊपर बाहर डेमोनाइजेशन होगा, अनशन चीजें कही जाएंगी बहुत, लेकिन ये रिस्क क्या नहीं लेना चाहिए?
क्या भीड़ में जाके खड़ा हो जाना चाहिए। हिटलर के पास भी बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी थी, तब लोगों को अंदाजा नहीं हुआ। आज हम आप क्रिटिक करते हैं हिटलर को, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं हम आप सब तय कर लो, ये एक विंडो खोला गया है जो बड़े दरवाजे में तब्दील होगा। संसद, लोहिया जी एक बात कहते थे कि सड़क शांत हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाती है। संसद आवारा हो चुकी है क्योंकि सड़क पर शांति है, सड़क पर कोलाहल मचाइए। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि 10% पे टिकेगा, सवाल यह है कि आपके प्रियम्बल में बहुत सारी चीजें, मैंने सदन के अंदर कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता, संविधान की गोलकनाथ केस के बाद तय हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मंत्री महोदय उठ के कहते हैं आप बेसिक स्ट्रक्चर, अरे बेसिक स्ट्रक्चर इक्वालिटी और न्याय से निकल करके आर्टिकल 15 और 16 बना। तो भी रेड विथ क्लॉज फॉर यू, मैं बार बार कहता हूं, आपने क्या किया, जिन आर्टिकल्स को बनने में महीनों लगे थे आपने 11.5 घंटे 3.5 घंटे लोकसभा और 8 घंटे थोड़ा हम लोगों के चक्कर में मैंने भी काफी समय ले लिया, तो कुल मिला के खींच खाच करके 11.5 घंटे 11.5 घंटे में आपने 66 वर्षों की जो हमारी उपलब्धि थी आपने सामाजिक न्याय के उस मर्म को खत्म कर दिया। मैं कभी इनकार नहीं करता कि अपनी जातियों में भी गरीबी है, और मैं फिर दोहरा रहा हूं आपकी गरीबी जाति के कारण नहीं है, जातियों में गरीबी है और वो आपकी जाति नहीं है, उसमें जातियों में होने की वजह से गरीबी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अरे आप शुरू करो ना स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करो, मुझे याद है पहले जब आरक्षण की बात होती थी कल कुर्बानंद जी कह गए तो लोग कहते आरक्षण को दे लो मेरिट, अब ऐसा करो ना इनको कोचिंग सेंटर खोल दो, इनको स्कॉलरशिप दो, आप वही से चीज कर दो ना उस 10% को जिसने आपको यह बताया है कि 8 लाख वाले गरीब होते हैं, 8 लाख पे ओबीसी क्रीमी, 8 लाख वाले गरीब। और मैंने तो सदन के अंदर कहा ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा एफिडेविट चेक कर लीजिएगा, 1000 स्क्वायर फीट का मकान मुझको भी नहीं है, मैं भी एलिजिबल हूं, मेरी बेटी खड़ी है इस ऑडियंस में यहां, वो भी इसकी एलिजिबिलिटी में आ जाती है अगर विश्वविद्यालय की नौकरी नहीं होती। मैं सिर्फ हाँ ये तो और रतन तो बीपीएल में आ जाते मैं अच्छा हाँ सुकुमार भाई भैया मंत्री महोदय राजेंद्र जी 18000 इनको तो सीरियस, अगर थोड़ी समझ होती ना। असल में दिक्कत क्या है ना, हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, ये विवेकहीन काम करते हैं लेकिन बिना बुद्धि के। मैंने सदन के अंदर कहा कि आप में तो बड़े विद्वान वकील हैं, वो मंत्रिमंडल में है, आप कुछ बोलते नहीं या आपकी सुनी नहीं जाती। नतीजे में नागपुर से एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है, उस व्हाट्सएप फॉरवर्ड को किसी बाबा ने भेजा होगा जिसको रतन कहते हैं जनेऊ लीला, और वो मैं सचमुच मानता हूं कि दुनिया के इतिहास में इससे खूबसूरत इन्वेंशन नहीं हो सकता। क्या नायाब चीज है, एक धागे ने समाज को अलग कर दिया और एक धागा नहीं तोड़ पाए। अरे आप तो मस्जिद तोड़ने वाले लोग हो, धागा तोड़ो ना, मस्जिद में तो मतलब मेहनत लगी आपको, इस धागे को तोड़। तो मैं सिर्फ इतना आपसे आग्रह करूंगा, हमको आपको अब भाषण वाले मोड से निकल करके सड़क पे आना होगा, और मेरी बात गांठ बांध लीजिए, आपके प्रियम्बल में तब्दीली हो जाएगी। मैंने कल भी कहा पॉलिटिकल साइंस में समाजवाद को हटाने में 2 मिनट नहीं लगेगा, हमारे कई बहुजन साथी भी कहेंगे हाँ यार ये तो बेकार का ही धर्म है समाजवाद हटाओ, कई लोग समाजवाद को समाजवादी पार्टी ही समझते हैं, सेक्युलरिज्म में उससे भी कम मेहनत लगेगी क्योंकि सेक्युलरिज्म मुसलमानों के गले की घंटी है, जो भी चीज मुसलमानों के गले की घंटी है उसको हटाने में सेकंड भी नहीं लगेंगे। उसके बाद जब आपके ये 3 शब्द डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, और मैं जानता हूं इस मुल्क में फौज खड़ी हो गई के लोगों की जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज टू टाइम टेकिंग, बहुत वक्त जाया होता है, अपील किस बात की जा रही है, अपील की, हाँ अभी किसी ने कहा कमाल की बात है, एक महत्वपूर्ण सज्जन है उनके बारे में मैंने सदन वीक में भी कहा, उनके खिलाफ अक्सर कोई कुछ बोलते नहीं है, एक एनएसए है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिनके बच्चे के आर्थिक वृद्धि के बहुत किस्से आ रहे हैं आजकल अखबारों में,
ये हाँ वो डोभाल साहब को जय शाह मॉडल ही है। तो डोभाल साहब अजीत डोभाल जी एनएसए है लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं तमाम लोग। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं जिस मुल्क में एनएसए पॉलिटिकल डिसीजन ले, आरबीआई सीबीआई का काम करे, सीबीआई के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर चला जाए, विश्वविद्यालयों में मैंने सदन के अंदर कहा कि एनएसए अब वाइस चांसलर अपॉइंट करेगा। अब हमको पता नहीं अभी वाले का क्या हाल है लेकिन आने वाले वर्षों में तो आखिरी टिप्पणी यही होगी, आखिरी टिप्पणी यही। हाँ एक कंसेंसस बन रहा है देश में कि आर्मी रूल कर दो, डिक्टेटरशिप कर दो, बहुत प्रगति होगी। और एक तो आर्मी वाले तैयार भी बैठे हुए इस काम के लिए, उनको मैंने बंदूक असलहे के बारे में कभी बोलते नहीं सुना है लेकिन ये जरूर कहते हैं कि फलानी जगह से बातचीत नहीं होगी या ये नहीं। जो अपने जो सुषमा जी का काम है वो कर दे रहे हैं तो सुषमा जी सिर्फ वीजा दे रही है। शुक्रिया दोस्तों, बस इतना कहूंगा। आप लोगों के जज्बे से प्रेरणा मिलती है, सदन में आदमी तन्हा महसूस करता है। कई सारे दोस्तों को मैंने बहुत करीब से देख लिया इस मसले पे, कई सारे दोस्त मुझे भी समझा रहे थे, एक ने तो हद ही कर दी। राज्यसभा के सांसद हैं बाहर बोले अरे ब्राह्मणों को कितना मिलता है आपको उससे नहीं परेशानी। ये मैं कह रहा हूं, कहा उससे मैं बयान दे रहा था, मैंने कहा कि कभी पड़ताल कर लीजिए तराजू पे कितना मिलता है किसको क्या मिलता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए लड़ाई लड़नी होगी, जातिगत जनगणना का मसला है और वो एक ऐसा मसला है ना जो इनके पांव के नीचे की जमीन हिला के रख देगा। पांव के नीचे की जमीन मेरी बात गांठ बांध लीजिए, मैं रहूं या ना रहूं ये तय हो जाएगा कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों के डर की वजह से ये उसको सार्वजनिक नहीं कर रहे। क्योंकि तो ये पता है कि हम कहेंगे फिर 100 में 90 वंचित है, 90 भाग हमारा है। जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम।